इनसे मिलिए, ये वो लड़की अमला को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये साहब जो भी बोल रहे हैं उस लड़की के बारे में सब एकदम सच है। क्या हो गया होगा? मेरी वजह से हमारी इज्जत उछाली जा रही है पूरी दुनिया के सामने। मुझे माफ कर दो अमला। आप कौन है और आप कैसे जानते हैं अमला को? क्या अमला कोई आपके रिश्तेदार है? अगर वो सच में एक एक्सपर्ट है तो आप उसे कैसे जानते हैं? अभी वास्ता क्या है, मैं क्या करता हूँ, इन सब से आपको क्या लेना देना? आपको अमला के बारे में जानना है ना, वो मैं बताता है ना आपको। बस ये समझ लीजिए कि ऐसी लड़कियां का ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये लड़कियां शहर में कहाँ से आती है, कहाँ जाती है और किसके पास जाती है, सब मालूम है अपने को। यूं समझ लो कि वो लोग ना अपने को उनका फ्रेंड मानती है। अब वो दूसरी लड़की अनीशा, क्या वो सच में अमला को ट्रेनिंग दे रही थी? हाँ बिल्कुल, मेरे को तो इतना भी मालूम है कि वो कौन कौन से दिन को उससे मिलने को ट्रेनिंग लेने को गई थी। एक मिनट, मैं आपको डेट भी बता देता हूँ। ये सबसे पहले 4 अगस्त को गई, उसके बाद 14 अगस्त को, और ये देखिए 28 अगस्त को, और उसके बाद देखिए ये 4 दिन तक लगातार जाती रही है। मैं तुम्हारे साथ ये नहीं होने दे सकती अमला। तुम्हारे सर से एक कलंक मैं हटाऊंगी। इसकी इतनी हिम्मत। स्पीकर पे डालो, मुझे भी सुनना है। तुम लोगों को तो गुड न्यूज और बैड न्यूज दोनों मिल गई होगी ना? हमारे बेल की गुड न्यूज, सनी ने जो दी उसका बैड न्यूज। गेट यूज्ड टू इट ब्रो, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे अमला के साथ बहुत कुछ होने वाला है। शी इज फेमस मैन, शी इज फेमस, बहुत लोग मिलने आने वाले उससे घर के बाहर। मीडिया, कस्टमर्स, सुन रहे हैं ना? अब तुम भी मेरी एक बात सुन लो इवान, जितना जोर लगाना है ना लगा लो, जो कर सकते हो कर लो, मैं तुम लोगों से डरने नहीं वाली हूं। अब जितना मुझे दबाने की कोशिश करोगे ना उतनी मेरी आवाज और बुलंद होगी, जितना मुझे डराओगे मेरा हौसला उतना ही ज्यादा पक्का होगा। बहुत तमाशा बनाया ना मेरी जिंदगी का, अब देखो मैं कैसे तुम सबका तमाशा बनाती हूँ। जो तुमने किया है ना उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये गुड न्यूज जाके सुवीर और विराज को दे देना, समझे? ओहो, मैं तो डर गया। तुम्हें खुश होना चाहिए अमला, तुम अभी तक जिंदा हो। तुम मेरी चिंता मत करो इवान, जाके अपनी, अपने भाई और अपने दोस्त की चिंता करो, समझे? मैं जिंदा हूँ इस बात से मैं तो खुश हूँ, पर ये बात तुम लोगों के लिए अच्छी बिल्कुल नहीं है। ये दो टके की लड़की मुझे धमकी देगी, अकेला जान से मार दूंगा उसे मैं। कंट्रोल योरसेल्फ इवान, कंट्रोल योरसेल्फ, संभालो अपने गुस्से को, अब सिचुएशन पहले जैसी नहीं है, केस फाइल हो चुका है। गुस्से में की हुई कोई भी हरकत भारी पड़ सकती है, अगर आमला को खरोच भी आ गई ना तो पुलिस और प्रेस हमारे कपड़े उतार देगी। ये कानूनी लड़ाई है,
कानून के दायरे में रहकर ही इसे लड़ना होगा। लड़की हमें धमकी देगी, हम पे केस करेगी और हम चुपचाप बैठ के देखते रहेंगे। नहीं, हम चुपचाप बैठकर नहीं देखेंगे। उसने हम पर केस किया है, हम उस पर केस करेंगे डेफामेशन का। एक और केस क्या होगा उसका? कोर्ट के चक्कर लगाते रहे। नहीं, ये तुम्हारा फाइट क्लब नहीं है जो हर बात का जवाब एक झटके में हो जाए। लीगल मामला है, कोर्ट में अभी बहुत टाइम है। असली खेल तो उससे पहले ही शुरू हो जाता है इवान। दांव पेच होते हैं इसमें, साम दाम दंड भेद हर चीज इस्तेमाल होती है। अब इतना दिमाग इस्तेमाल करके तुमने प्रेस के सामने उसकी इतनी बेइज्जती की है तो कम से कम उसका फायदा उठाए हैं कि नहीं? आप अवार हमला के अगेंस्ट डेफामेशन का केस फाइल करो, मानहानि का दावा करो उस पे और जितने भी चार्जेस प्रेस कर सकते हो करो। आई वॉन्ट अ ब्लडी वॉटर टाइट केस। ओके, अब लीगल तरीका इस्तेमाल हो गया, अब चलिए दाम का भी तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं। हेलो मंदू जी, क्या हाल है? हिम्मत कैसी हुई यहां पर आने की? अरे तुम अपने चुप, अपने मुंह से एक शब्द भी निकाला ना तो यहीं कहीं गाड़ दूंगा। चलो निकलो यहां से। चल चल। अरे क्या कर रहे हो आप? क्या मैं अपने मेहमानों को अपने घर भी नहीं बुला सकती है? मेहमान? अरे आपने बुलाया क्या इन दोनों को? अरे प्रणा जी, आप भी ना सुनने से पहले ही। शांत रहो, जरा बताती हूँ। आइए आइए वीरेन जी। हमें भी यहाँ आने का कोई शौक नहीं है मधु जी, लेकिन दो मिनट ठंडे दिमाग से हमारी बात सुनने में आप ही को फायदा है। हम समझाने आए थे कि अभी तक सलामत हो, किसी में खुश रहो, यही तुम्हारी जीत है। कोर्ट में तुम कुछ साबित नहीं कर पाओ। मुझे समझाने आए या फिर अपनी डूबती हुई नाव को बचाने आए? कौन डूबेगा ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो। ना तो तुम पहले कुछ कर पाई थी और ना ही अब कुछ कर पाओगी। इसलिए बेहतर ये है कि अपनी बची हुई इज्जत संभालो और इस केस को वापस ले लो। बड़ी फिक्र है आपको, पर मेरी इज्जत की या फिर अपनी? मेरी तो इज्जत बची ही नहीं है ना, तो फिर मुझे किस बात का डर? नहीं नहीं, डरना चाहिए तुम, अभी जिंदगी बाकी है तुम्हारी, और थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करोगी तो बाकी की जिंदगी ऐशो आराम से जी सकोगी। मंदो जी, ये रहे 50 लाख रुपए। अगर तुमने चाहा तो और ऐसे
बैग आ सकते हो। खबरदार, जो इस बैग को हाथ भी लगाया तो पड़ जाएगी। मेरी जिंदगी मेरी इज्जत की कीमत लगा ही चुकी हैं, पर अब वो कीमत ये लोग चुकाएंगे। उठाइए अपना ये बैग जो आपकी सोच की तरह गंदा, और निकल जाइए यहां से, वरना मैं अभी पुलिस को फोन घुमाऊंगी और ये कहूंगी कि आप लोग डरा धमका के मुझे केस वापस लेने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्या मुंह फाड़ के क्या देख रहे हैं? चलो निकलो यहां से। चलो मामा, बहुत हुआ तुम्हारा, चलो उठो निकलो यहां से। चलो हो गया तेरा, अपने बारे में ना सही, हम सबकी जिंदगी के बारे में तो सोचा होता, तेरी वजह से हम सड़क पर आ गए हैं। कभी कोई तो भरपाई करेगी कि नहीं? तो 50 लाख रुपए पता भी है क्या होते हैं? अरे गिनने बैठेगी ना तो चक्कर आ जाएंगे। अरे गिनती जाएगी मगर नोट नहीं खत्म होंगे। बड़ी आई, अच्छा किन के खिलाफ केस लड़ रही है पता भी है तुझे? चल तू केस लड़ भी लेगी, 2 दिन खुश होके ऐसे 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 डोलती फिरेगी इधर से उधर, फिर वही मनुष्यत भरी जिंदगी हमारी हो जाएगी। हो गया, वैसे भी तू अपनी इज्जत तो लुटवा ही चुकी है ना। मंदो चुप हो जा। क्या चुप हो जा मंदो, चुप हो जा। अरे मंदो जो कहती है ना सही कहती है हमेशा, समझा अपनी बहन को। कौन सी इज्जत इसकी बची हुई है? तो जैसी लड़की के लिए 50 लाख रुपए दे रहे हैं, बड़ी इज्जत इज्जत गाती फिर रही, काहे की इज्जत, कौन सी इज्जत, कहाँ की इज्जत? बाहर आइए, मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज 2 मिनट के लिए बाहर आइए। हमला, हमला तुम अंदर रहो, इन लोगों से मैं बात करता हूँ। नहीं अबीर, वो लोग मुझसे सवाल पूछने आए हैं, मुझे जाना चाहिए। अरे अमला तुम जानती नहीं हो इन लोगों को, दर्द बेचन में मजा आता है इन लोगों को, टीआरपी के भूखे हैं ये लोग, तुमसे ना जाने क्या क्या सवाल पूछेंगे। और उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और जहां तक बात दर्द की है, तुम हो ना मेरे साथ। पूछिए जो पूछना है। अमला जी, इवान मलिक ने जो आपके बारे में बयान दिया है क्या वो सच है? और ये अनीशा जी, जिनका नाम आपके साथ काफी बार जोड़ा गया है, वो कौन है? देखिए मलिक मेरे बारे में क्या कहते हैं क्या सोचते हैं इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने जो आरोप उन पे लगाए वो बिल्कुल सच है। और रही बात अनीशा की, तो अनीशा मेरी एक दोस्त है। लेकिन ये अनीशा है कौन? मैं हूँ अनीशा। We'll be right back.
और जैसा कि अमला ने बताया, ये मेरी दोस्त है। आपको केस के बारे में कुछ भी जानना है आप बेशक अमला से पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपको मेरे बारे में कुछ भी जानना है तो आप मुझसे पूछिए। अनिशा जी, मलिक्स का कहना है कि आप एक स्कॉर्ट हो और आपने इस काम के लिए इनको भी ट्रेनिंग दी है, क्या ये बात सच है? झूठ है ये सब। मलिक्स की एक और घटिया चाल है मेरी होने वाली बीवी को बदनाम करने के लिए। दिवालियापन में कुछ भी बके जा रहे हैं, अरे बॉक ला गए हैं वो लोग, लेकिन उन्हें क्या लगता है वो कुछ भी कहते जाएंगे और हम सब सहते जाएंगे। आप सबके जरिए एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि अपने दामन से कीचड़ मिटाने के चक्कर में अगर मेरी मंगेतर को बदनाम किया तो मैं वही करूँगा जो अमला ने किया, घसीट के ले जाऊँगा कोर्ट तक उन्हें। भगवान जी, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। मैं जानती हूँ कि आज कोर्ट में क्या होने वाला है, पर मैं तैयार हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। बस मुझे शक्ति दीजिएगा भगवान जी कि ना तो मैं डरूं और ना कुछ ज्यादा सोचूं। शक्ति दीजिएगा। देख रहे हो आज हम दोनों के लिए बहुत बड़ा दिन है, हमारे आने वाली जिंदगी के लिए। बस मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि कोर्ट में चाहे जो भी कुछ हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अगर तुम फिसली तुम्हें मैं संभालूंगा। अगर तुम्हारी आंखें भर आई तो मैं
मैं तुम्हारे आंसुओं को पोछूंगा। अगर तुम हंसी तो तुम्हारे साथ मैं हंसूंगा। चाहे कोई भी गम हो, धूप हो, छांव हो, चाहे कोई भी मुसीबत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।